त्रिपुरा के चुनावों में राज्य के पुराने शाही खानदान के प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन अहम उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। त्रिपुरा में चुनाव है और इस बार त्रिपुरा के चुनाव में सबकी नजर है त्रिपुरा के जो रॉयल फैमिली है उनके जो हेड है प्रद्युत माणिक्य देव बर्मन उनके ऊपर और उनकी जो पार्टी है त्रिपुरा मोथा पार्टी इसके ऊपर सबकी निगाह है और इसलिए है क्योंकि इस बार त्रिपुरा के चुनाव में ऐसा दिख रहा है कि त्रिपुरा मोथा पार्टी जो कि सिर्फ 2 साल पहले इसका जन्म हुआ था ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में त्रिपुरा में उभर के आया है। दिस इज घिसा पिटा हुआ। ये महल से सियासत तक की पुरानी बातें हैं। मैं पूर्वोत्तर में पला बढ़ा और वहीं पढ़ा और मैं जनजातीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन मैं किसी और के खिलाफ नहीं हूं। मैं एक ऐसी विरासत का हिस्सा हूं जिसने मुझे अपने लोगों का सशक्तिकरण करना सिखाया है। प्रद्युत के दादा बीर विक्रम माणिक्य त्रिपुरा के अंतिम राजा थे जिन्होंने 1923 से लेकर 1947 तक राज किया। अब 7 दशक बाद उनके पोते त्रिपुरा के सियासी इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रद्युत खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं और वो राज्य के 35% कबीली वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रद्युत के दल ने पिछले 2 साल में आदिवासी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि ये मांग राज्य की बंगाली भाषा आबादी और आदिवासियों को बांटने की कोशिश है। मोथा को वोट, कांग्रेस को वोट, मतलब कम्युनिस्टों को वोट। प्रद्युत के समर्थकों का कहना है कि उनकी मांग जो भी हो उनकी पार्टी सबका वोट चाहती है। अभी फाइट नहीं किया तो कभी फाइट कर नहीं पाएगा। एनी लॉ जो कानून के आधार पर भेदभाव करता है वो बुरा है। उम्मीद है कि केंद्र CAA पर फिर से विचार करेगा। इसलिए हमने इसे चुनावी मुद्दा बनाया क्योंकि त्रिपुरा को इससे अलग नहीं रखा गया है। लोगों को BJP बांटती है, हम तो उन्हें इकट्ठा रखने की बात कर रहे हैं। वो देश भर में लोगों को बांट रहे हैं और हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। हमने कभी आदिवासियों, बंगालियों, मणिपुरियों आदि को नहीं बांटा। प्रद्युत की पार्टी का चुनाव चिन्ह त्रिपुरा का मशहूर अनन्नास है और शाही खानदान के वारिस का नारा है हिंसा या एकता। त्रिपुरा से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।